दोस्तों, सबमरीन्स यानी पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत होती है इनके छिपने की कला। एक पनडुब्बी जिस तरह से अपने आप को लंबे समय तक छुपा सकती है, उस पनडुब्बी को उतना ही घातक और एडवांस माना जाता है। ना ही इन्हें जमीन से पकड़ा जा सकता है, ना ही आसमान से और ना ही समुद्र से, क्योंकि ये समुद्र की गहराई में साइलेंटली बैठी रहती हैं। और जब पनडुब्बियाँ हमला करती हैं, तब दुश्मनों को यही पता लगाने में काफ़ी समय लग जाता है कि हमला आखिर कहां से हुआ है। हमला करने के बाद पनडुब्बी कभी भी एक जगह नहीं रुकती, इसलिए पनडुब्बी को पकड़ने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टेल्थनेस होती है, और छुपे रहने के लिए ज़रूरी है पनडुब्बियों का पानी के नीचे लंबे समय तक बने रहना। ऐसे में हमारे भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो भारतीय नौसेना के सबमरीन को कई दशकों तक समुद्र के गहराई में छुपाए रह सकती हैं। इन पनडुब्बियों को सतह पर सिर्फ इन पर तैनात क्रू के वजह से ऊपर लाया जाता है, क्योंकि इनके फूड सप्लाई, इनके मेंटल और इनके फिजिकल हेल्थ के लिए सबमरीन को ऊपर लाना होता है, वरना ये पनडुब्बी कई दशकों तक समुद्र की गहराई में रहकर देश की सुरक्षा कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के न्यूक्लियर सबमरीन की। सबमरीन का मकसद ही होता है कि वो दुश्मन की नज़र से बची रहें और पकड़ में ना आए। इन्हें कई सालों तक पानी के सतह पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी तरह यह दुश्मन की नज़रों से बची रहती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन दो तरह की होती हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN और दूसरी न्यूक्लियर मिज़ाइल सबमरीन यानी SSBN। न्यूक्लियर मिज़ाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती हैं, जो न्यूक्लियर हमले को रोकने या दुश्मन पर परमाणु हमला करने के लिए की जाती हैं, और इन पनडुब्बियों का रोज़मर्रा के ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं होता। जबकि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है, यह एक कॉन्वेंशनल सबमरीन यानी डीजल सबमरीन की तरह ही होती, लेकिन इसको ऊर्जा परमाणु ईंधन से मिलती है। न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इसमें पूरी सबमरीन को पावर सप्लाई की जाती है। भारत के पास दो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसके अंदर भाभा एटॉमिक सेंटर का 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के पास INS अरिहंत और INS अरिघाट की, जिन्हें ईंधन की ज़रूरत दशकों तक नहीं पड़ती। साथ ही आपको बता दें कि जो आजकल पनडुब्बियाँ बन रही हैं, उनमें खुद से ऑक्सीजन को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, यानी भारत के INS अरिहंत और INS अरिघाट को सिर्फ फूड सप्लाई और क्रू मेंबर के मेंटल हेल्थ के लिए ऊपर आना होगा। साल 1974 और 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। उसके बाद 2003 में भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ऐलान किया। इसमें नो फर्स्ट यूज़ की बात कही गई। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी ने भी भारत के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक किया, तो भारत को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। भारत ने न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन अरिहंत को बिना शोरगुल के अगस्त 2016 में कमीशन कर दिया। यह 6000 टन की है। भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट यानी ATV 1980 में शुरू किया, और इसका पहला प्रोजेक्ट था INS अरिहंत। अरिहंत को 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पानी में लॉन्च किया, जबकि पिछले साल ही दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन INS अरिघाट को भी कमीशन कर दिया गया। INS अरिहंत और INS अरिघाट काफ़ी ताकतवर है। इनके अंदर 24 नॉट की स्पीड हासिल करने की ताकत है। इनके स्टेल्थ कैपेसिटी की बात करें, तो स्पेशल स्टील से बनी सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी में अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण यह रडार की पकड़ में नहीं आता। इसके अलावा इसमें स्टील का इस्तेमाल होने के कारण यह हर मौसम में काम करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, भारत का यह सबमरीन सिर्फ छुपने में ही माहिर नहीं है। यह सबमरीन दुश्मन के सबमरीन का पता लगाने के लिए एक खास किस्म का सोनार छोड़ता है, जिसे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल पानी की गहराई और पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार तकनीक ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल कर पानी में साउंड वेव भेजती है। साउंड वेव समुद्र तल या पानी के अंदर की वस्तुओं से टकराती हैं, और समुद्र तल या किसी पनडुब्बी से टकराने के बाद साउंड वेव वापस लौट कर आती है। ट्रांसड्यूसर वापस लौट कर आए इन साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंप्यूटर पर प्रोसेस किया जाता है, और कंप्यूटर तक साउंड वेव को वापस लौट कर आने में लगने वाले समय और उसकी तीव्रता का इस्तेमाल करके पानी की गहराई की गणना और किसी पनडुब्बी का पता लगाया जाता है।
इसकी डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है इसकी कैलकुलेशन करने के बाद कंप्यूटर सोनार में एक इमेज बना देता है कि दुश्मन की सबमरीन कितनी बड़ी और कहां पर छुपी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं कि आजकल दो तरह के सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, पहला एक्टिव सोनार और दूसरा पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार वो होता है जो खुद साउंड वेव छोड़ता है और रिसीव कर दुश्मन का पता लगाता है, जबकि पैसिव सोनार ये एक नई टेक्नोलॉजी है। ये किसी भी तरह का साउंड वेव नहीं छोड़ता बल्कि ये सिर्फ साउंड वेव को रिसीव करता है, क्योंकि आजकल बनाए जा रहे सबमरीन इतने एडवांस हो चले हैं जो काफ़ी कम नॉइज करती हैं। और हमारा INS अरिहंत और INS अरिघाट इन्हीं में से एक है। इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है जिस वजह से इन्हें बार बार सतह पर आने की ज़रूरत नहीं होती। हमला करने के लिए इनमें 6 टॉरपीडो ट्यूब लगे हुए हैं। ये दोनों ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ 12K15 सागरिका मिसाइल, 8K4 या फिर 8K5 मिसाइल को अपने साथ लेकर समुद्र में छिपी रह सकती हैं। आपको बता दें कि भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन हैं, लेकिन भारत के पास अभी एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। आमतौर पर न्यूक्लियर पावर देशों ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर पहले काम किया और उसके बाद न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बनाई, लेकिन भारत ने पहले न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बना ली है। हालांकि भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर भी काम कर रहा है। ऐसी 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाई जानी है। इसमें पहले भारत ने रूस से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चक्र 1 और चक्र 2 को 10-10 साल की लीज पर लिया था। लीज पूरी होने पर उन्हें वापस भी भेज दिया गया है। करीब 2 साल पहले चक्र 2 को रूस वापस भेजा गया है, जबकि भारत को रूस से एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लीज पर लेनी है। इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और अभी इसे आने में 2-3 साल का वक्त लगेगा। दोस्तों भारत की ये जो पनडुब्बियाँ हैं उनके अंदर टॉरपीडो से लेकर क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर अनमैंड अंडर वाटर ड्रोन भी लगाए जा सकते हैं, जिनकी मदद से यह काफ़ी लंबी दूरी के ऑपरेशंस, टोही ऑपरेशंस, जासूसी के ऑपरेशन चला सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों पर डायरेक्ट न्यूक्लियर मिसाइल से हमला भी कर सकती हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के पनडुब्बियों के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।